स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर अकाउंट्स लेक्चरर। तो स्टूडेंट्स, आप आज अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन दा आपने पहला भी कुछ वीडियो लगा चुके, उहदे विच 11वीं क्लास की क्लास है, 11वीं कमर्स की, ठीक है, जिहदे विच अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक चल रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन दे विच अज जिहड़ा टॉपिक है वह अज आप सीखांगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह अपना टॉपिक का नाम है जो आज आप सीखांगे। इहदे विच देखांगे आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जिमें मैं लिख रहा हूँ, अपनी कॉपी से उतार दे रहो। मैं एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, है क्या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट दे विच की है, इधर आते हैं नॉन करंट एसेट्स, दे विच लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, हो सारी बहुत सारी चीज़ें अंदर आ जाए ने, इन्वेस्टमेंट, एक होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाए ने, ते एक होंगी है करंट, करंट एसेट्स। नॉन करंट ते करंट एसेट्स उन्होंने मैं अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर च समझाया होगा। करंट एसेट्स कैश, बैंक, डेटर्स, कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म कोई भी एसेट्स होंगे ने, ये सारे ये अंदर आ जाते हैं। हम इधर की है, इतने आता कैपिटल, पहले इतने लिखना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दे विच प्लस करांगे इंट्रोडक्शन, कोई भी प्रॉफिट, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इतने इंट्रोडक्शन दे विच इंट्रोड्यूस्ड, इन्हें इंट्रोड्यूस्ड लिख लो, इंट्रोड्यूस्ड। मैं तुम दोबारा लिख दूंगा, प्रॉफिट इंट्रोड्यूस्ड लिखो, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, चाहे जी मतलब नई कैपिटल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड कर रहे हैं आप, नवी कैपिटल लेके आ रहे हैं, उन्होंने आप लिखना होंगे। तो लॉस में आप माइनस कर दिया, कोई भी एक नुकसान होंगे माइनस, कोई भी आप परसनल यूज वास्ते ड्राइंग्स कढ़ाइया ने तो वह भी माइनस होंगे ने। तो फिर की आ जाता अपना क्लोजिंग कैपिटल आ जाता, इन प्लस माइनस करके जो बैलेंस आऊगा वह की आ जाऊगा अपना क्लोजिंग कैपिटल, अपनी क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी। फिर उस तो बाद नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, फिर आती है करंट लाइबिलिटी, ठीक है, फिर उस तो बाद टोटल बन जाएगा। ये बैलेंस शीट है। क्वेश्चन अपन की कहूगा, कभी बार अपन आ दे रखे इन्हों दोवों के बीच, आ दे रखे कला लाइबिलिटी, ये दोनों चीज़ा लाइबिलिटी है, ये हैड है तो लाइबिलिटी पार्ट है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जोड़ के ही मानता है इधरले साइड, इधर सारी एसेट आ, ठीक है। हुण अपन क्वेश्चन कई बार आह दे रखा होगा लाइबिलिटी दे रखे होगी क्लोजिंग कैपिटल कढ़ना है, कई बार क्लोजिंग कैपिटल एसेट दे रखा होगा लाइबिलिटी कढ़नी है, कई बार लाइबिलिटी ते कैपिटल दे रखी होगी तो अपन आह कढ़ना है, तो कई बार अपन यह कह रखा होगा ओपनिंग कैपिटल कढ़ के दिखाओ, अपन बहुत सारी चीज़ें कह रखी होंगी। तो यह फॉरमैट बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, ये की फॉर्मूला की बनता है, ये फॉर्मूला लिखो, अगर क्या हो, अगर क्या हो कि करंट एसेट्स पता, मतलब एसेट की वैल्यू कट के दिखाओ, एसेट्स फाइंड करो, एसेट्स फाइंड करो, तो ये की आप फॉर्मूला लगावे, कैपिटल
क्लोजिंग कैपिटल लिखाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अगर अपन क्या हो बे लाइबिलिटी फाइंड करके दिखाओ, लाइबिलिटीज फाइंड करके दिखाओ, ताकि लिखाएंगे टोटल एसेट्स, ए बे टोटल ही होंगे ने टोटल एसेट्स दे विच क्लोजिंग कैपिटल माइनस करांगे ताकि बन जूगी अपनी लाइबिलिटी। ठीक है, देखो एक ही में बनया, देखो मैं दो ही फॉर्मूले लिखे ने, जगर एसेट फाइंड करने क्या है तो क्लोजिंग कैपिटल ते लाइबिलिटी का टोटल करांगे तो आ बन जूगा, तो यही जो टोटल होगा वो सामने जो टोटल होगा वह भी बराबर उ होंगे, तो इसलिए इनू दोवां नू जोड़ोंगे तो की बन जूगी एसेट बन जूगी। तो लाइबिलिटी पता करनी हो ता आ टोटल एसेट गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये आ माइनस करोंगे तो लाइबिलिटी आ जूगी, इस तरीके ने फॉर्मूले। ठीक है, अगर थोनू क्या हो हाँ जी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करके दिखाओ, क्लोजिंग कैपिटल अगर क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करके दिखाओ तो थोनू क्वेश्चन च टोटल एसेट गिवन होगा तो लाइबिलिटी गिवन होगी, वो माइनस करोंगे तो की आजूगा क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी। हुण आ जिहड़ा लिखा होया ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इन्हां च भी किया जा सकता है कि आह ना गिवन होवे, इन्हां दे विचों प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल कढ दिखाओ जां ओपनिंग कढ के दिखाओ, ये आ वाला फॉर्मूला इहदे विच आ जांदा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण इस तरीके नाल क्वेश्चन बने हुए नेगे। हुण कई बार आपां नूं आ कुछ भी नहीं दे रखा, कल्ला आ इन्हां दी इनफॉर्मेशन दे रखी है, इहदे विच ही प्लस माइनस करके करना हुंदा। पर आ याद रखियो, हुण इक गल याद रखो, जिहड़ा ओपनिंग कैपिटल तो जगर आप प्रॉफिट प्लस होंगे, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल प्लस होंगे, लॉस माइनस होंगे, तो ड्राइंग माइनस होंगे, इन्हें चो दो इनफॉर्मेशन भी दी हुई है, जिन्नी इनफॉर्मेशन दी है बस उन्होंने ही प्लस करना, उन्होंने ही माइनस करना है, सारी जरूरी नहीं क्वेश्चन से सारी इनफॉर्मेशन ही गिवन होगी। ठीक है, हुण कई बार हुण जेकर आप जो क्लोजिंग कैपिटल अपन गिवन हो ओपनिंग कढ़ना हो उल्टा हो जूगा, क्लोजिंग कैपिटल दे विचों जेकर इहदे अकॉर्डिंग ड्राइंग माइनस हो रही है तो क्लोजिंग कैपिटल दे अकॉर्डिंग की होगी प्लस, अगर लॉस की होगा क्लोजिंग कैपिटल दे अकॉर्डिंग प्लस, इंट्रोड्यूस तो प्रॉफिट की होगा जो माइनस हो जूगा। समझ आ गई गल, हुण जब आप क्वेश्चन करांगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस 3 लाख, लाइबिलिटी किन्ना दिता हुआ है 50,000, लॉस किन्ना दिता हुआ 70,000, कहिंदे टोटल एसेट पता कर दो। हुण कहिंदे कि आपां नूं कैपिटल दे रखी है 3 लाख, एविन क्या ओपनिंग दिती है क्लोजिंग दिती है, आपां ओपनिंग मान लांगे, जेकर ओपनिंग मान लांगे तो हुण जेकर होर कोई इनफॉर्मेशन नहीं दिती हुई तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग होगी, पर इहदे नाल हुण देखो लॉस गिवन है तो मतलब इसका मतलब यद कोई एडजस्टमेंट है, ओपनिंग यह है तो लॉस ये माइनस हो जूगा, तो कि आज क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी, जो क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो लाइबिलिटी अपन गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी करेंगे तो कि आ जूगा टोटल एसेट आ जूगी। क्लीयर गल, देखो 18वां क्वेश्चन च की पहला तो आप कढ़ांगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कढ़न वास्ते की करना पूगा, अपन की दिता ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो लॉस गिवन है, लॉस की हो जाए ये माइनस हो जूगा, ओपनिंग कैपिटल किन्नी गिवन है अपन 3 लाख, लॉस किन्ना गिवन है माइनस 70,000, तो कि आ जूगा 2,30,000 रुपया क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी। जगह क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो आप टोटल एसेट फाइंड करना है, टोटल एसेट और टोटल एसेट का की है फाइंड करने लिए क्लोजिंग कैपिटल दे विचो लाइबिलिटी प्लस कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है अपनी 2,30,000, तो लाइबिलिटी कितनी है अपन दी हुई है 50,000, तो कि आ जूगा 2,80,000। हम तुम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझो, ये इतने की सी अपन ओपनिंग दे रखा सी तो लॉस दे रखा से, ओपनिंग चो लॉस घटाया तो कि आज क्लोजिंग आ जूगी, लाइबिलिटी अपन गिवन सी ये हम जो इस आ जोड़ा तो अपना दोवों का टोटल आ जू, जो आ टोटल जोड़ा होगा तो आ भी उन्ना ही होंगे। ठीक है, जे अगर इन्ना जोड़ोगे तो आ ही टोटल एसेट आ जूगी, इस तरीके ना करना।
समझ आ गया होगा। अगे देखो तुसी स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन कहते इफ टोटल एसेट जो टोटल एसेट की दे रखी 1,30,000 है, नैटवर्थ का मतलब हों अपनी कैपीटल अपन नैटवर्थ बोलते हैं, कैपीटल नोट कर लो। एसेट गिवन है, कैपीटल गिवन है, लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी हों, लाइबिलिटी फाइंड करनी है ताकि फॉर्मूला लिखूगा। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 ये थोनों की है, अपन लाइबिलिटी पता करनी है तो लाइबिलिटी का की फॉर्मूला होगा। लाइबिलिटी करनी है तो टोटल एसेट्स अपन गिवन है, माइनस की कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल। नेटवर्थ मतलब आप क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, और तो कुछ दिता ही नहीं हुआ, जगह अपनी मनागे तो क्लोजिंग भी तो उन्ना हुआ तो कोई इन्फॉर्मेशन दिती नहीं हुई। लाइबिलिटी अपन पता नहीं है क्या फाइंड करनी है, टोटल एसेट अपनी कि दी हुई है 1,30,000, तो क्लोजिंग कैपिटल की दी हुई है अपन 80,000, तो कि आजगा 50,000 रुपया लाइबिलिटी आजगी। तो आही अपन फाइंड करना सी, हो गया क्वेश्चन, देखो कि आसान है। अगे देखो क्वेश्चन, ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद कैपिटल 30,000 ऑन 31st। थोड़ी जगह किसी बच्चे की नवी बुक भी होंगी है तो वो 20 लिखा होगा, बस इन्ना तो कोई लेना देना नहीं होंगे, बस इतने आप देखना क्लोजिंग है ओपनिंग 1 अप्रैल तो ओपनिंग, 30 मार्च का क्लोजिंग। ओपनिंग अपन दी हुई है 30,000, 31 मार्च 2018 इज एसेट्स वर्थ, वर्थ जगह कल वर्थ लिखा तो वैल्यू मतलब होंगे 50,000 रुपया एसेट दे रखी है। लाइबिलिटी कि दी हुई है 10,000, एसेट अपन 50,000 दे रखी है, लाइबिलिटी अपन गिवन है क्लोजिंग कैपिटल काट लो, कहें एक तो क्लोजिंग कैपिटल काट के दिखाओ, एक प्रॉफिट काट के दिखाओ। ये देखो लाइबिलिटी दे एसेट चो लाइबिलिटी माइनस कर देंगे कि आजगा क्लोजिंग कैपिटल आजगी, हमें पता है एसेट चो लाइबिलिटी माइनस कर क्लोजिंग कैपिटल आजगी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो ओपनिंग कैपिटल अपन दी हुई है, क्लोजिंग चो ओपनिंग माइनस किया तो कि आजगा प्रॉफिट आजगा। थानू मैं चार्ट के अकॉर्डिंग समझाना। हम देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन की गिवन है, ये क्वेश्चन के बिच आपां एक तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग पता नहीं, लाइबिलिटी आपां पता है, एसेट पता है, एसेट दे चो लाइबिलिटी माइनस की तो क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी, जगह आ गई तो आपां पता नाले आ पता है, ये आ माइनस किया तो अपना प्रॉफिट आ जूगा। हुण तुहानू यह कन्फ्यूज़ होंगे कि आपां ये पता चलूगा कोई प्रॉफिट है या लॉस है, तो मैं दस्सो क्लोजिंग से जो ओपनिंग माइनस करेंगे जगह वह पॉजिटिव च आ जाए, मतलब माइनस से ना आए तो पॉजिटिव च आ जाए तो प्रॉफिट है, जगह वो माइनस से आ जाए तो कि वह अपना लॉस है। क्लियर है, गल समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स में, ये याद रखियो। हम आप इन सोल्यूशन करके दिखा देना मैं, ट्वेंटीएथ क्वेश्चन देखो सारे स्टूडेंट्स, ये आप पहला क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट अपन कि गिवन है 50,000, लाइबिलिटी कि गिवन है 10,000, तो कि आजगा क्लोजिंग कैपिटल 40,000 आजगा। क्लोजिंग कैपिटल कि आजगी 40,000, क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो हूँ अपन ये प्रॉफिट कट के दिखाना है, तो प्रॉफिट द फॉर्मूला की लिख लेंगे आप, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और कुछ गिवन नहीं तो बस आ ही लिखेंगे, तो प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000, ओपनिंग कितना इतना हो 30,000, तो 10,000 की आ जाऊगा इधर अंदर प्रॉफिट आ जाऊगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आई होप सारे क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कहते इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस
1,40,000 ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 1,40,000 ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਪਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 1,40,000 ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਆ ਜੂਗੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਖਤਮ ਬਸ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ 21ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1,40,000 ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 80,000 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 2,20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਆਜੂਗੀ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 40 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 25,000 ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਰੈਵਨਿਊ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਫਾਇਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਸ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਸ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 40,000 ਰੁਪਏ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆਜੂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋੜਤਾ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਾਂ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਲੋਜਿੰਗ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਲੋਜਿੰਗ 'ਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋੜੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ 22ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲੋਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 40,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 50,000 ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 40,000 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਇਹ 50,000 ਕੀ ਆਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆਜੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਆਜੂਗੀ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 50,000 ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ 75,000 ਆਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 23ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਹੈਡ ਏ ਕੈਪੀਟਲ 75,000 ਔਨ 1 April 2018 ਹੀ ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ 15,000 ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ 1 April 2018 ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 75,000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓਪਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 75,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
15 या जोड़िया तक ही आजूगा, टोटल एसेट आजूगी। फिर दूसरे दे विच कहिंदे इसे नूं ही कंटिन्यू कर दिओ, ए अगर कहिंदे इसे इनफॉर्मेशन च जेकर आपां नूं लॉस भी दिता हो 1700 ते 1800 रुपया आपां नूं ड्राइंग दिता हो ਤਾਂ ਕੀ ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੈਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 23ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 23ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ, 23ਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਏ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਇਜ ਈਕਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਤਾਂ ਇਹ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, 90,000 ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਆਜੂਗਾ, 90,000 ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਬੀ ਕੇਸ, ਅਗਰ ਇਸ ਬੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰਵਰਡਸ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਸ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ, 1700, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ 800 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ 72,500 ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 72,500, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15,000, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 87,500, ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ 1 April 2018 ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲ 10,000, ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 3,000 ਫਰੋਮ ਏ ਫਰੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਅਰਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 5,000 ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਈਅਰ ਐਂਡ ਵਿਦਡਰੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ 5,000, ਡਰਾਇੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 4,000। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ 3,000, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 15,000, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3,000, ਕਹਿੰਦੇ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਆ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 2,500 ਰੁਪਇਆ ਸਪਲਾਇਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੈਟਸ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਟਵੈਂਟੀ 4 ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਏ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ,
ना ड्राइंग थोड़ा पता, ड्राइंग माइनस होगी किन्ने रुपये, 4,000 रुपया तो किन्ना आजूगा, और 11,000 रुपया आजूगा, एक ही आजूगा अपना 11,000 क्लोजिंग करते। हुण बी केस दे अकॉर्डिंग करो, बी केस दे विच कीता होया अपन ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल अपन दी हुई है 15,000 रुपया, और अपन की दे रखे प्रॉफिट दे रखे 3,000 रुपया, तो होर तो कुछ गिवन नहीं है, 18,000 रुपया की आ जूगी अपनी क्लोजिंग कैपिटल। हुण कहिंदे टोटल एसेट्स फाइंड कर दो, टोटल एसेट का की फॉर्मूला लगेगा, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 18,000, लाइबिलिटी कितनी थी 2,500, तो कितना आ जाएगा बी 500 का आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा 24th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगे देखो 25th क्वेश्चन, एंड मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल 25,000 रुपया, ए लोन ऑफ 12,500 बोरोड फ्रॉम शाम, ठीक है लोन की लाइबिलिटी होगी। फिर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल कितनी है 12,500 विदड्रॉ, हूँ देखो इंट्रोड्यूस्ड मतलब इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल आ गया, विदड्रॉन हो गया मतलब ड्राइंग होगी, ठीक है अपन एसेट भी दे रखी है 75,000 रुपया। तो इन्होंने कहते कि क्लोजिंग कैपिटल कट के दिखाओ, एक तो यह कट के दिखाओ प्रॉफिट होया कि लॉस होया, दो चीज़ा इन्होंने पूछिया कट के दिखाने अपन इनफॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, लोन दे रखे, इंट्रोड्यूस्ड ड्राइंग ते एसेट दे रखे, इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल ते प्रॉफिट पूछिया कट के दिखाने वास्ते। हुण मेरी गल ध्यान ना सुनो, आपां क्वेश्चन दे विच क्लोजिंग कैपिटल ते प्रॉफिट गया, ये गल नूं पल्ले बन लो, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करोंगे तो प्रॉफिट फाइंड करोंगे, ठीक है क्योंकि ये एसेट भी गिवन है अपन, लाइबिलिटी भी गिवन है, तो एसेट चो लाइबिलिटी घटाई तो अपनी क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी। एसेट देखो एसेट कितनी दी हुई है 75,000 दी हुई है, लाइबिलिटी कितनी दी हुई है 12,500, ये चो आ माइनस करोगे तो की आ जूगा क्लोजिंग कैपिटल आ जूगी। जो क्लोजिंग निकलिया कैपिटल ओपनिंग कैपिटल भी पता है, बाकी इंट्रोड्यूस ड्राइंग पता है तो प्रॉफिट निकलिया होगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स, हुण मैं तुहानू करके दिखाना फिर होर ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पच्चीवा क्वेश्चन देखो, पच्चीवें क्वेश्चन से पहला तो फाइंड करो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल दे विच टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स किन्ने दिते हुए 75,000, लाइबिलिटी किन्ने दिते हुए 12,500, तो किन्ना आ जूगा 62,500 आ जूगा। हुण जेकर यह आ गया तो आपां नूं फाइंड कर लैणे आ प्रॉफिट, आपां क्लोजिंग कैपिटल दे अकॉर्डिंग चल पैणे आ। क्लोजिंग कैपिटल दे विच बाट आपां नूं जिहड़े क्लोजिंग कैपिटल दित्ते 62,500 उहदे विच आपां नूं की दित्ता होया, माइनस करांगे ओपनिंग कैपिटल किन्ना दित्ता, ओपनिंग कैपिटल 25,000 रुपया। फिर अपन क्लोजिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग सारा कुछ उल्टा हो जाऊ, इंट्रोड्यूस की होगा, जेकर ओपनिंग के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस प्लस होंगे तो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की होगा माइनस होगा इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि साइन उल्टे हो जाएंगे ना 12,500। तो विदड्रॉन कराया ड्राइंग, ड्राइंग ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही होंगे होंगे माइनस, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग की कर देंगे प्लस। ड्राइंग ड्राइंग किन्ने दिते हुए ने 1,575,000, ये ड्राइंग्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर इनू माइनस कर लेंगे, इनू माइनस प्लस कर लेंगे, मतलब
इनू माइनस प्लस करोगे तो थोड़ा की आ जूगा, जेकर थोड़ा यह माइनस प्लस करके पॉजिटिव च आता है, माइनस से नहीं आता तो प्रॉफिट है, अगर ये माइनस आता है तो की होगा लॉस है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव च आ रहा है तो यह करोगे तो कि आ जूगा 3500 आ जूगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव च आए तो प्रॉफिट है। एक गल ध्यान रखो, ओपनिंग कैपिटल दे विच जेकर यह कढ़ते हुए जो आप ओपनिंग कैपिटल दे अकॉर्डिंग कर सकते सीगे तो वो ये जो 3500 आता वह माइनस आता, ओपनिंग अकॉर्डिंग 3500 माइनस आता तो वो प्रॉफिट हों, जे आते कि हाँ भी माइनस आया ओपनिंग कैपिटल तो यह प्रॉफिट किमें होगा। थोनों मैं एक जनरल जी गल दसदा, एक मैं थोड़ी चीज़ समझा, देखो आह एक साल है इत 1 अप्रैल लिखा हुआ, 31 मार्च लिखा हुआ, तो थोड़ू मैं कहता इतने 6 लख रुपया है, इतने 4 लख रुपया, थोड़ा पैस्टाल दे स्टार्टिंग 4 लख सीगा, साल दे एंड दे विच 6 लख रुपया होगा, तो 2 लख की होया होगा, दो 4 चो 6 लख माइनस करोगे तो माइनस आऊगा, तो 6 चो 4 माइनस करोगे तो प्लस आऊगा, होया तो प्रॉफिट है बधिया ही है, जब बधिया है तो इसका मतलब यह है कि जो 4 चो आप 6 माइनस करा तो माइनस आऊगा, हैगा तो प्रॉफिट है, 6 चो 4 माइनस करोगे तो प्लस आऊगा, तो हैगा तो प्रॉफिट है। तो ये थोड़ा मैं साइन समझाए ने, जब ओपनिंग अकॉर्डिंग चलेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे तो वह माइनस आऊगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट होंगे, समझ आई गल। चलो अगे देखते हैं, थोड़ा 25वां क्वेश्चन हो गया, 26वां क्वेश्चन देखो, ऑन 31 मार्च 2019 टोटल एसड अपन दिते लाइबिल, टोटल एसड अपन 2 लख दिती हुई है, लाइबिलिटी अपन 6000 दिती हुई है, इन्हें लिखा टोटल एसड एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, टोटल एसड 2 लख ते लाइबिलिटी 6000, टोटल एसड ते लाइबिलिटी पता लग गई, तो हुण कहंदे कि जो टोटल एसड ते लाइबिलिटी पता लग गई तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आऊगी, तो अपन इंट्रोड्यूस्ड भी दे रखा, ड्राइंग भी दे रखी है, तो प्रॉफिट भी दे रखा, इंट्रोड्यूस ड्राइंग प्रॉफिट दे रखे, तो इन्होंने कहते कि अपन ओपनिंग कैपिटल कट के खा दो, ये सारी इनफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करा, फिर उदो थ्रू आप अगे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करा, समझ आ गई है। देखो ये सम किवें होएगा, पहले तो आप क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लो, क्लोजिंग कैपिटल किमें होगा, टोटल एसेट दे विचो लाइबिलिटी की करांगे आप माइनस करांगे, टोटल एसेट अपन किन्ने की बनेगी 2 लख रुपया, लाइबिलिटी किन्ने की बने 6000 रुपया, तो क्लोजिंग कैपिटल किन्नी आज 1,94,000 रुपया, फिर उस तो बाद आज 1,94,000, तो फिर टोटल एसेट जो अपन निकले आई तो हूँ आपने की करना, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है, जो क्लोजिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर देने, क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई है 1,94,000, हूँ क्लोजिंग अकॉर्डिंग सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, अगे इंट्रोड्यूस्ड प्लस हों, ओपनिंग अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग की हो जूगा माइनस हो जूगा, इंट्रोड्यूस्ड कि आ जूगा उ 20,000 माइनस का, फिर उस तो बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग ऊंज माइनस होंगी होंगी ओपनिंग के अकॉर्डिंग, इतने की हो जाए ड्राइंग्स प्लस हो जाएगा, फिर उस तो बाद प्रॉफिट, वैसे तो अपना ओपनिंग के अकॉर्डिंग प्लस होंगे होंगे ने, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग की होने के माइनस होने के प्रॉफिट, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट माइनस होंगे ना, तो माइनस फिर ये प्लस माइनस करोगे तो थोड़े को ओपनिंग कैपिटल निकल आऊगी, ये ओपनिंग कैपिटल निकल आऊगी तो कितनी आ जूगी, यह करो ये करोगे तो 1,66,000 आ जूगा, तो खत्म सवाल, समझ आ गई स्टूडेंट सारे ने, 26वां क्वेश्चन किवें कीता है। सारे ने उतार लिया होना 26वां क्वेश्चन, हुण अगे देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा, आप करते हैं
देखो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ये देख लो, सुनील स्टार्ट बिजनेस, ओपनिंग, ये सारे अपन नूं एंट्रियां गिवन है। इस क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करना है, ये थोड़ी बुक दे विच होगा क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन नूं आप तुसी पेज खोल लो, फिर आपां इन्हूं सॉल्व करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं इक्को टाइम ते बुक ते क्वेश्चन, बुक ते जिहड़ा मैं सॉल्व नाल सॉल्व कर रहा, दोनों इक्को टाइम ते शो नहीं कर सकदा, क्योंकि इस टाइम एक कैमरा दे विच इक्को ही चीज़ पॉसिबल है ना, जां तां क्वेश्चन शो करूँगा जां फिर आंसर शो करूँगा, ठीक है। इन्हों मैं सॉल्व करके दिखा दिना, बाकी नाले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दे विच नाल जदों ट्रांजेक्शन दे विच मैं लिखदा हुंदा और ट्रांजेक्शन च शो हो जांदा हुंदा सारा कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। हुण मैं तुहानूं करके दिखाना किवें होएगा क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नूं किवें करना तुसीं, बस पहला उमी फॉरमैट बना लेना है। मैं तुहानूं इत्थे लाइनां पहले खिंच लईआं सीगा, 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन किवें करना, पहले इत्थे सीरियल नंबर लिखोगे, फिर ट्रांजेक्शन लिखोगे, ट्रांजेक्शन देखो पूरा पेज कवर करन वास्ते मैनू उही है कि जगह इहदे विच एसेट्स आ जूगी, थोनों मतलब दूरों दिख रहा होगा, पर मेरे हिसाब नाल थोनों सारे अक्षर साफ दिख रहे होने, अगर मान लो साफ नहीं दिख रहे तो क्वालिटी अपनी इनक्रीज़ कर लेना, बाकी मैं थोनों एंड ते क्वेश्चन जूम करके भी दिखा दूंगा। देखो सीरियल नंबर वन, हम थोड़ा सीरियल नंबर ये शो नहीं हो रहा होगा, समझ लो मैं थोड़ा थोड़ा कैमरा कर दिना सेट, देखो सीरियल नंबर भी हम थोड़ा शो हो रहा होगा, ठीक है। चलो देखो पहला की लिखा हुआ है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस, मैं नाल नाल बोलता भी जा रहा ना, विद कैश, कैश ना बिजनेस स्टार्ट किया तो इतने की आजगा, कैश किन्ने रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया, 1.5 लाख रुपए का, तो फिर यदा टोटल कर लोगे 1.5 लाख रुपया। उधर कैपिटल, कैपिटल किन्ना आजगा, 1.5 लाख रुपया, फिर वह टोटल कर लोगे 1.5 लाख रुपया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे देखो फिर अपने बैंक के खाता खुलाया, ओपन ए बैंक अकाउंट, ठीक है, 25,000 रुपये का खाता खुलाया, बैंक का खाता खुल गया, बैंक 25,000 रुपये का बैंक के आ गए, तो कैश के 25,000 रुपये चला गया, कैश के 25,000 चला गया, इतने आजगा 1,25,000 रुपया, इतने आजगा 25,000 रुपया, उधर कोई इफेक्ट नहीं पाया, उतने वही 1.5 लाख रुपये रहा। तीसरी एंट्री, फिर अपने एक परसनल कार खरीदी, फिर ओह परसनल कार खरीदी नहीं बेची, सोल्ड की, सोल्ड, ठीक है, कोई परसनल कार सी अपने की है बेची परसनल कार, फिर वो पैसे अपने फर्म दे खाते जमा कराते, फर्म दे खाते जमा कराते, मतलब इंट्रोड्यूस्ड हो गया, पैसे लेके आए आप, चाहे आप परसनली कुछ मर्जी करिए पर पैसे तो आप फर्म से जमा कराते ना, वो भी खाते च, तो मतलब खाते दे विच तां पैसे आ गए, 50,000 रुपया बैंक दे विच आ गया, उधर कैपिटल, ये बस एक तरह का कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है पर बैंक के अकॉर्डिंग हुई है, इतने 2 लाख रुपया आजगा, इतने किन्ना आजगा, 75,000 रुपया, इतने कोई इफेक्ट नहीं पाया, इतने आज 1,25,000 रुपया, क्लीयर है गल। मैं थोनों इतने लाइन भी खिंच दिना ता जो बराबर चलता रहे सिस्टम। क्लियर है, अगे देखो चौथा पॉइंट, फिर कहते अपने बिल्डिंग ते फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग फर्नीचर का इको ही खाता बना लेंगे, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इत्थे बिल्डिंग तो फर्नीचर का खाता एक ही बना लेंगे, किन्ने रुपये का फर्नी खरीदया इन्होंने, 1 लाख रुपये का, तो पैसे दिते उन्हें तो 1 लाख रुपया उरे माइनस कर देंगे, उरे रह जूगा 25,000 रुपया, उरे कोई इफेक्ट नहीं पाया, 75,000,
ਉਰੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ 2 ਹੀ ਲੱਖ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ, ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੋਕ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਟੋਕ ਦਾ ਕੋਲਮ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ? 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਸਟੋਕ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਗੁੱਡਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ 50,000 ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ 50,000 ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 1 ਲੱਖ ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 75,000 ਆ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 6ਵਾਂ, ਕਾਰਟੇਜ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਟੇਜ ਕਾਰਟੇਜ ਪੇਡ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਟੇਜ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਸ਼ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 500 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 19,199,500। ਆਜੂਗਾ 1,99,500, ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ 50,000 ਸੋਰੀ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਜੂਗਾ 24,500 ਅਤੇ 75,000 ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ 50,000। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 6,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 9,000 'ਚ ਵੇਚਤੀ। ਹੀ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ, 6,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 9,000 'ਚ ਵੇਚਤੀ, ਮਤਲਬ ਸਟੋਕ 'ਚ ਤਾਂ 6,000 ਘਟਿਆ, 9,000 'ਚ ਵੇਚਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਡੈਟਰ, ਡੈਟਰ ਦਾ 9,000 ਅਤੇ 3,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਆ ਜੂ, ਇੱਥੇ 44,000 ਆ ਜੂ, ਅਤੇ 9,000। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਟੈਨੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ? 1,000 ਰੁਪਇਆ। 1,000 ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ? 1,000 ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਜੂਗਾ 2,03,500। ਇੱਥੇ 50,000 ਦਾ 50,000 ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 25,500, 75,000, 1 ਲੱਖ, 44,000 ਜਾਂ 9,000। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ
अपना जो रेंट की सिक्योरिटी रिसीव हुई है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिसीव हुई, तो सिक्योरिटी रिसीव हुई, मेरी गल ध्यान न सुनो कि पैसे आ गए एडवांस, आप सिक्योरिटी किसी तो ले ली, किसी किराएदार ने अपन पैसे देते ठीक है, तो पर सिक्योरिटी आप रख ली हाले तो वो जब तक हाल तो उधर आप पैसे वैसे रखे हुए ने, जो जाएगा वैसे पैसे वापस ले सकता है, आप एक सिक्योरिटी ले ली तो इसलिए अपनी वो देनदारी भी रहेगी, कैश भी आ जाएगा 1500 रुपया आप कैश दे विच प्लस कर देंगे तो लाइबिलिटी 1500 रुपया इतने आ जूगी, इतने आ जूगा 27000 रुपया, इतने 75000 रुपया, तो 1 लाख आ जूगा, 44000 आऊगा, 9000, 51500, इतने 19 चली जाऊगा, 2,35,000। अगले च कह रहे नेम स्टेशनरी, स्टेशनरी एक सिंपल खर्चा है, छोटा मोटा स्टेशनरी एक सिंपल खर्चा है, छोटा मोटा कैश चो माइनस कर देंगे, कैपिटल चो माइनस कर देंगे, 100 रुपया कैश चो, 100 रुपया कैपिटल के बच्चे, इतने आ जाऊगा 26900, इतने उ 75000 रुपया, 47000 रुपया, 9000 रुपया, तो इतने वह 51500 रहूगा, इतने आ जाऊगा 100 रुपया माइनस करूँगे तो 20 इतने आ जाऊगा 2,34,000 रुपया, आ समझ आ गया। हुण अपने पेज पूरा कंप्लीट हो गया, पेज कंप्लीट होया, दो दे विच 10 एंट्रियां हुई ने, नैक्सट पेज से यही फॉरमेट बना के 4 एंट्रियां करांगे ठीक है। आह जिहड़ा बैलेंस अपन लिखा ये बैलेंस नूं आप अगे लिख देंगे, देखो स्टूडेंट्स अगे मैंने बैलेंस लिखते हैं अगले पेज से बैलेंसिंग, फिर टाइम जो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पॉज करके फॉरमेट बना लिया ता जो वाला बैलेंस अगले पेज से लिख सकां ठीक है। अगे देखो स्टूडेंट्स अपने उधर नैक्सट पेज के जेकर आप देखा जाए इतने तक अपने स्टेशनरी तक कंप्लीट कर लिया, स्टेशनरी वाला पॉइंट हूँ, स्टेशनरी तो बाद देखो 11th पॉइंट कि इनवैसट किए अपने शेयर, इनवैसटड किए शेयर 50000, इनवैसटड का मतलब होंगे इनवैसटमेंट, मतलब पैसे आप जो इनवैसट करते हैं वह शेयर, हूँ आप इनवैसट किए ने शेयर, हम ये देखो तुम सारे स्टूडेंट्स ये अपने ये पैसे घट गए होने तो उधरों कैपीटल घट गए क्योंकि अपने कैपीटल चो पैसे दिता, यह आप हम जो शेयर है या बैंक के ही आप माइनस करते होंगे क्योंकि पैसा जोड़ा शेयर का जाता हों इनवैसट करता बैंक चो देखते हैं, वैसे भी कैश से इन्ना बैलेंस नहीं है इसलिए आप बैंक चो जूम कर लें, तो इधरों अपने की करना अपने कैपीटल माइनस कर देना ठीक है। तो इतने आ जाऊगा 26900, इतने आ जाऊगा 25000, इतने कोई इफेक्ट नहीं पिया, इतने 1 लाख, इतने 44000, इतने 44000, इतने 9000, इतने 51500, इतने कितना आ जाऊगा 2 लाख, ये इतने आ जाऊगा जेकर आप माइनस करांगे देखो इतने का माइनस करन तो बाद 50000 रुपये माइनस करांगे तो 53400 इन्ना कुछ आऊगा ठीक है। अगे देखो ट्वेल्थ पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव होया, इंटरेस्ट रिसीवड होगा 200 रुपये का इंट्रस्ट रिसीव हुआ, 200 रुपया कैश दे विच की कर देंगे प्लस कर देंगे, उधरों कैपिटल दे विच भी की हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। फिर यह जोड़ घटा कर मैं कट्ठी कर दूंगा सारे का जोड़ घटा। ये 13वां पॉइंट देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस की, इंट्रोड्यूस्ड तो पैसे आए 25000 रुपया कैश दे विच प्लस, तो 25000 रुपया कैपिटल चो प्लस,
ठीक है। अगे 14वां पॉइंट देखो, गुड्स डिस्ट्रॉय हुई यहाँ, मतलब डिस्ट्रॉय गुड्स हो गया, तो गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक के 500 रुपया घटा देंगे उधर कैपिटल से घटा देंगे, 500 रुपया स्टॉक से घटा देंगे उधर कैपिटल से माइनस कर देंगे। हूँ यद प्लस माइनस करके देखोगे तुसी, देखो यद प्लस माइनस करो, पहले तो 2600 प्लस 200 प्लस 25,000 यदा करोगे तो यह आजगा 52,100 आजगा, ठीक है। बैंक का करोगे, बैंक के कोई इफेक्ट होया ही नहीं, तो यह 25,000 ही आऊगा, ये भी कोई इफेक्ट नहीं होया, तो यह 1,00,000 का 1,00,000 ही आऊगा, ये 500 रुपया घट के 43,500 आजगा, यद 9,000 आऊगा, यद 51,500 आजगा, यद कोई इफेक्ट नहीं पाया, 51,400 प्लस 200 प्लस 25,000 माइनस 500 तो इतने आ जाएगा 78,100। तो स्टूडेंट्स जो ये टोटल करोगे तुसी, ये टोटल करके देखो, ये टोटल करोगे तो यह आ जाएगा 229,600, 229,600 ये आजगा, तो यदा करोगे यदा भी 229,600 आजगा, तो यह टोटल दोवे पास बराबर होगा, इसका मतलब अपना सवाल ठीक है। इस तरीके ना करना, हम मैं थोड़ा सारा सवाल जूम करके दिखा देना, देखो सारा सवाल तुसी ये एसेट साइड वाला देख लो, तुसी ये पूरा पेज एसेट साइड वाला, ये देखो आ लाइबिलिटी ते कैपिटल वाला पेज है, ठीक है। दूसरा पेज दिखा ना, आ देखो ये है गया एसेट वाला साइड, नंबरिंग पाई हुई है, ये लाइबिलिटी, तो स्टूडेंट्स अज अपना ये चैप्टर पूरी तरीके ना ख़त्म हो चुका है, तो हुण इस तो बाद आप नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे, तो उदों तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, जय हिंद। पर थोने ये जरूर दसना कि इनू वीडियो किवें लगी, सब लाइक तो सबसक्राइब जरूर करियो, तो कमेंट जरूर करियो नाल नाल, ते अपना ख्याल रखो, जय हिंद।